शीतल बोलो। शीतल बोलो। शीतल ओए बक भी, शीतल शीतल की करे जा रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ ही नहीं आ रहा? यही कि हम ठीक तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्यार करते हैं तो गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। शादी उसी के साथ होनी चाहिए जिसको प्यार करते हो। हाँ लेकिन शादी तो ठीक है पर भाग कर तो फट्टू है क्या? बात फट्टू की नहीं है शीतल, बात है भरोसे की। अगर हम ऐसा करेंगे तो घर वालों का भरोसा टूटेगा। हाँ भरोसा तो उनका टूटेगा ही, लेकिन मेरे पापा तुम्हें काफी लाइक करते हैं। हमेशा कहते हैं आई हैव फुल फेथ इन रवि, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, उसके साथ चली जाना, उसको बोलना तुम्हें ड्रॉप करने के लिए, सेफ रहोगी। और हो क्या रहा, पापा के हिसाब से मैं जिसके साथ सेफ हूँ वही मुझे भगा कर ले जा रहा है। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। आर वी डूइंग राइट? ऑफ कोर्स वी आर डूइंग राइट। तू तो सिर्फ मेरे बाप को जानता है लेकिन मैं उन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। वो मेरी शादी कास्ट के बाहर कभी नहीं होने देंगे। और अगर मैं उनसे बात करूँ तो? घर में दंग लगी तलवार को खून मिल जाएगा और तू तो सीधा ऊपर चला जाएगा और मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी जाएगी। ओए, पर ऐसा तो शादी के बाद भी हो सकता है। शादी के बाद तो कोई इशू है ही नहीं, फिर धीरे धीरे करके हम उन्हें मना ही लेंगे। हाँ डैड अंडरस्टैंडिंग है, पहले थोड़ा रूठेंगे, मिलेंगे तो गुस्सा करेंगे, बाद में मान जाएंगे। होप सो। शीतल बोलो। शीतल बोलो। शीतल बको ना, फिर से क्यों शीतल शीतल की रट लगाई है? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? बार बार एक ही बात क्यों सोच रहे हो? हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। एक्चुअली तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया, यहाँ तक तो ठीक है, यू आर 100% करेक्ट, पर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लिया, क्या मैंने सही फैसला लिया? Leave me. शादी से पहले विधवा हो जाएगी तू, स्टूपिड। ओके, आई लव यू। तुम दुनिया की सबसे अंडरस्टैंडिंग वाइफ बनने वाली हो।